स्टूडेंट्स मैंने इस वैल्यू को खुला-खुला ऐसे ही करके लिखा है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करनी है, वैल्यूज काफी सारी आएंगी मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपके लिए कंफ्यूजन ना बने कि किस तरह से ये वैल्यू आपके लिए मिक्स अप ना हो जाए वैल्यू, इसीलिए मैंने इसको खुला-खुला करके लिख दिया। स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं 1 या 170 का और 1 यानी 1 जब भी 170 का होगा आपके पास क्या आ जाएगा, वही नंबर दोबारा आ जाएगा। अब ये वहां क्या हम सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई का और 1 से मल्टीप्लाई का वो नंबर दोबारा आ जाता है, अब देखिए स्टूडेंट 0 की बात है, 0 इन सब से मल्टीप्लाई का और सब क्या आ जाएगा 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है 0 कर देते हैं उसको, तो सारी वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। स्टूडेंट देखिए मैंने यहां पे वेट आगे को बढ़ा दिया, टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, आगे इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पहले दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गई है, वहां हमने क्रॉस लगा दी है, आप वहां पे 0 लगा सकते हैं क्रॉस। अब देखिए स्टूडेंट आगे 1 की मल्टीप्लिकेशन, अब किस 1 की बात है, ये वाला इंसान से मल्टीप्लाई का अब लास्ट वाला 1 और स्टूडेंट्स अब आगे आ गए सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 1 ऐड इट इज आ गया, 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 को जब आप डिवाइड करते हैं 2 से 2 बनता 2 और रिमाइंडर 0, तो यहां हम क्या लिखेंगे 0 और 1 जो है ना यहां आपके पास कैरी चला जाएगा, 1 और 1 2 2 और 1 3, अब 3 को जब हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 1 का 2 1, तो ये आपके पास क्या आता है 1 और 1 आ जाता है, तो 1 1 इधर 1 1 इधर 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4, अब स्टूडेंट 4 को हमने डिवाइड करना है 2 2 का 4, रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 0 आ गया, अब रिमाइंडर आपने यहां पे क्या लिख देना है 0 और कैरी का 2 दे दिया 2 और 1 3 3 और 1 4 5 और 1 6, अब 6 आ चुके हैं 2 3 का 6, रिमाइंडर 0 और कैरी आपका क्या चला गया 3 चला गया 1 4 5 6 और 1 7, रिमाइंडर 1 कैरी आपको दोबारा 3 3 और 1 4 1 5 6 और 1 7 7 आपके पास स्टूडेंट ये यहां पे साफ हो गए 1 और 3, तो इसी तरह से 1 यहां पे आपके पास 3 3 और 1 4 4 और 1 5 5 और 1 6, स्टूडेंट 6 आपके पास ये साफ हो गए 0 और 3, तो रिमाइंडर 0 और क्वोशेंट आपके पास 3 3 और 1 4 4 और 1 5, 5 नहीं है 5 का स्टूडेंट काम करते हैं 2 2 का 4 1, अब यहां पे आपके पास क्या आ गया 1 और कैरी आपके पास 2 चला गया 2 और 1 3 3 और 1 4, स्टूडेंट 4 आपके पास ये साल हो गया 2 और 0, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 0, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 2, 2 और 1 स्टूडेंट कितना हो गया 3 हो जाता है, और 3 आपके पास ये साल हो गया 1 और 1, तो ये स्टूडेंट आपके पास बेस 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं बेस 5 नंबर सिस्टम,
प्लेस फाइव नंबर सिस्टम में पहली आपके पास वैल्यू है पार्ट नंबर सिक्स है डबल टू डबल फोर टू प्लेस फाइव प्लस डबल फोर डबल थ्री स्टूडेंट बेस फाइव में आपके पास कितने नंबर होते हैं जीरो वन टू थ्री और फोर इन नंबर से मिलकर सारे बेस फाइव के नंबर बनते हैं फोर से बड़ा नंबर हमारे पास बेस फाइव सिस्टम में नहीं आ सकता चलिए स्टूडेंट एडिशन शुरू करते हैं स्टूडेंट 4 प्लस 3 आपके पास क्या होगा 4 प्लस 3 7 हो गया 7 4 से बड़े आप इसको 5 से डिवाइड करवाएंगे क्योंकि आपकी बेस क्या है 5 रिमाइंडर लिखेंगे और क्वेश्चन नेक्स्ट को कैरी देंगे तो 2 आप यहां लिख देंगे क्वेश्चन आपके पास 1 है तो यहां चला गया 4 और 5 6 7 और 8 तो 8 को अब आप डिवाइड करेंगे बेस से 5 बनता 5 रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 3 क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया 1 आप 3 यहां लेते हैं 1 आप यहां पे कैरी दे रहे हो 4 5 और 6 6 और 1 7 और 7 को आपने क्या लिखा हुआ है 7 के आपके पास ऑलरेडी यहां पे साफ भूख है ना 2 और 1 लिख देंगे 2 और 1 4 5 6 और 1 7 और 7 को आपने क्या लिखना है 2 एंड 1 और ये स्टूडेंट आपके पास इन नंबर्स की बेस फाइव में एडिशन होती है आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 की बेस फाइव की एडिशन पार्ट नंबर 7 आप लोगों ने खुद कर लेना है बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ है आसानी से आप लोग कर लेंगे मैं नेक्स्ट पार्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूं पार्ट नंबर 8 है आपके पास बेस 5 माइनस 3322 बेस 5 स्टूडेंट बेस 5 वाली दो वैल्यू से हमें करना क्या उनको हमने सबट्रैक्ट करना है तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ऊपर ये वैल्यू पहले लिख देंगे नीचे हम लोग ये वैल्यू लिखते हैं अब स्टूडेंट देखिए 1 में से 2 सबट्रैक्ट नहीं हो सकता हम प्रीवियस नंबर से क्या करेंगे कैरी लेंगे अब कैरी क्या होता है जो बेस होती है वही आपके पास वैल्यू कैरी आ सकती है अगर बेस 2 है तो हम 2 कैरी ले सकते हैं 5 है तो 5 8 है तो 8 और डेसिमल है तो हम क्या कैरी लेते हैं 10 कैरी लेते हैं अब यहां पे देखिए स्टूडेंट इधर तो आपके पास वैल्यू ही 0 है यहां भी 0 यहां भी 0 यहां भी तो कैरी हमारा कहां से आएगा यहां से आएगा ये 0 हो जाएगा इधर कैरी जाएगा तो 5 4 आ जाएगा एक इधर 5 चला जाएगा इधर भी 4 इधर 5 4 5 4 और यहां पर आपके पास क्या है 5 5 और मान क्या हो गए 6 6 में से आपने 2 माइनस कर दिया आपके पास क्या आ जाएगा 4 4 में से 2 गया आपके पास क्या आ गया 2 4 में से 3 गया 1 4 में से 3 गया 1 4 में से 3 गया 1 और ये तो आपके पास वैसे 0 आ गए तो ये आपके पास स्टूडेंट बेस 5 में इसकी सबट्रैक्शन ये याद रखना है कि जो बेस होती है कैरी भी आपने वही लेके जाना नॉर्मल नंबर में 10 क्यों कैरी लेते हैं वो बेस 10 वाले नंबर पे बेस 10 हम 10 उसके साथ लिखते नहीं तो वो कैरी हम लोग बेस 10 के डेसिमल सिस्टम में 10 लेके जाते हैं बेस 8 में हम लोग 8 लेंगे फैक्टर में बेस 8 में 8 कैरी आ जाएगा बेस 5 में 5 और बाइनरी में हम लोग 2 कैरी तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 9 है स्टूडेंट आपके पास
ये वैल्यू है आपके पास। हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट थ्री जब थ्री से मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, थ्री थ्री ज्यादा आपके पास क्या होता है, नाइन हो जाता है। नाइन के नंबर से बड़ा है, इसको आप डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर आप नीचे लिख देंगे, क्वेश्चन आप अगले नंबर को कह दीजिए। बल्कि स्टूडेंट एक काम करता है, इस क्वेश्चन को यहाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ नीचे, या आपको क्लियर नहीं होगा, ये बिल्कुल नीचे मिक्स हो जाएगा। इसको यहाँ सामने स्टार्ट करता हूँ ताकि वैल्यू बन जाए। यहाँ स्टार्ट जी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट थ्री थ्री दर आपके पास क्या था, थ्री थ्री दर आपके पास था नाइन। नाइन को जब हमने बेस फाइव से डिवाइड किया, फाइव वन दर फाइव फोर, तो हमने फोर वन लिख दिया, थ्री फोर दर ट्वेल्व, ट्वेल्व और वन कितना हो गया थर्टीन। थर्टीन को आपने कैसे, जैसे स्टूडेंट थ्री जब फोर से मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया, ट्वेल्व हो गया। 12 में आपने 1 कह दिया है, तो आपके पास कितना आ गया 13। 5 2 10 और 3 रिमाइंडर आप नीचे लिख देंगे, और जो क्वेश्चन है वो अगले नंबर पे आप लोगों ने क्या दिया है। 3 1 3 3 और 2 आपके पास क्या हो गए, 5 हो गए। 5 1 5 और 0, सो रिमाइंडर आपके पास 0, क्वेश्चन आपके पास 1। 3 4 12, 12 और 1 13। स्टूडेंट आपके पास यहाँ है मिसाल है 3 और 2, तो 3 आपके पास यहाँ आ जाएगा, 2 आपके पास यहाँ, 3 4 का 12, 12 और 2 14। अब 14 है आपके पास, 5 2 का 10 4, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4। और देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट कॉलम में देते हैं, नेक्स्ट कॉलम तो है ही नहीं, तो आपके पास क्वेश्चन भी इसी तरह इसके साथ आ रहा है। स्टूडेंट थ्री की मल्टीप्लीकेशन होगी और अब टू की मल्टीप्लीकेशन है, टू थ्री दाल आपके पास क्या हो गया, टू थ्री दाल हो गया सिक्स। टू थ्री दाल आ गया सिक्स, इन नंबर से बड़े फोर का पास सकते हैं, हमारे पास नंबर फोर से बड़े नंबर को हमने फाइव से डिवाइड कर, तो फाइव वन दाल फाइव, पीछे आपके पास क्या आएगा वन, ये वाला आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर, और ये वाला वन आपके पास अब क्वेश्चन का आएगा। ये पहले वाले जितने ऊपर कैरी रहे हैं क्वेश्चन का, वो मैं सारे रेस कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन, तो अब देखिए स्टूडेंट वन और वन ये वाले इधर आ गया, ये वाला आपके पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। टू फोर दर एट, एट और वन नाइन, फाइव वन दर फाइव रिमाइंडर फोर, तो फोर अब आप लोगों ने यहाँ लिखना है। कैरी आपके पास क्या है, वन है, वन यहाँ चला दें। टू वन दार टू, टू और वन थ्री, टू फोर दार एट, फाइव वन दार फाइव थ्री, तो थ्री आप लोग नीचे, कैरी आप लोग क्या दे देंगे यहाँ पे वन। देखिए स्टूडेंट इसका कैरी नहीं थे, क्यों, टू वन दार टू था और उसमें जब वन आ गया तो थ्री आ गया, फिर ये कैरी इसमें नहीं आया क्योंकि आपके पास नंबर गया, वो नंबर्स के अंदर आना था, इससे बड़ा नंबर होता तो वो डिवाइड होता और कैरी बनता, तो इसीलिए इसके साथ कैरी नहीं था। टू फोर था एट, एट और वन नाइन, और नाइन को हम लोग ने डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, फोर और वन, याद है डिवीजन भी है ना नाइन, ठीक है, तो फोर और वन, तो फोर और वन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट टू की मल्टीप्लीकेशन भी आपके पास क्लियर होगी, जीरो जीरो जिस नंबर से मल्टीप्लाई
तो 5 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 और 5, 3 की मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट जरा गौर करें, पहला नंबर क्या आपके पास 3 नहीं था, 3 था ना, तो ये जो पहली मल्टीप्लिकेशन है ये सारी हम नीचे दोबारा लिखते हैं, 4 3 0 3 4 और 2। अब देखिए 2 की मल्टीप्लिकेशन तो आपके पास स्टूडेंट यहां ही है, दूसरी मल्टीप्लिकेशन 2 की है, 1 4 3 3 4 और 1। अब स्टूडेंट इन सबको ऐड करें, 4 एज इट इज आ जाएगा, 3 और 1 4, ये भी आपके पास 4 आ गया, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 2 आर 10, रिमाइंडर 0 और क्वेश्चन 2 जो है आपके पास ये यहां पे कैरी आ रहा है, ठीक है। 4 7 7 और 3 10, 12 12 और 1 13, देखिए 3 और 1 4 5 6 7 8 और 9 9 और 4 आपके पास कितना हो गए, 13 हो गए। अब 13 को आपने डिवाइड करना है 5 से, 5 2 आर 10, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 3, तो 3 आप यहां लिखेंगे, कैरी आपको 2 यहां देंगे, 4 4 8 8 और 2 10 10 और 2 12, 5 2 आर 10 और 2, तो 8 2 आपके पास यहां, 8 2 आपके पास किस कॉलम तक है, 3 और 3 6 7 8 और 9 और अब 9 9 स्टूडेंट आपके पास यहां आया हुआ है, ये देखिए ये 9, 4 और 1, तो यहां आपको क्या लिखेंगे 4 और आपको कैरी दे देंगे 1, आपके पास कैरी आ गया। अब बल्कि नंबर्स को मैं जरा क्लोज लिख देता हूं कि मिक्स ना हो, यहां का आपके पास 4 3 और 1 4 5 6 7 8 9 13 13 आपके पास क्या आया है, 3 और 2 2 और 2 4 4 और 2 8 8 12 और 12 आपके पास था 2 और 2 3 और 3 6 7 8 और 9 9 आपके पास था 4 और 1। अब स्टूडेंट ये ठीक है, स्टूडेंट ये याद रखिए कि जो कॉलम है ना उसके नीचे आपको वैल्यूज दिख जाएगा, अगर वैल्यू आपकी पीछे हो जाएगी तो बाद में आपके लिए मतलब अच्छा। तो इधर आपको ये था 3 और 3 आपके पास क्या हो गया 6, 6 और 4 क्या हो गया 10 0 और क्वेश्चन जो आपके पास हुआ आगे चला गया, 4 और 2 आपके पास क्या हो गया 6 7 8 9 10 11 12 12 और 1 आपके पास क्या आ गया 13 5 2 का 10 और आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 3। अब आपने यहां पे क्या लिखना है, यहां पे आपने 3 लिखना है, वो जो कैरी आप क्वेश्चन आपके पास हुआ है वो यहां चला जाएगा 4 4 8 10 10 और 2 12। अब 12 आपके पास यहां निकाल दो, तो 12 आपके पास क्या आएगा 5 2 का 10 और 2। अब यहां पे आपके पास क्या आ गया, इधर आपके पास 2 आ जाएगा, इधर भी आपके पास क्या चला जाएगा 2 चला जाएगा, 2 और 1 3 3 और 3 6 7 8 9 और 9 आपने क्या लिखना है 4 और 1, तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा 4, यहां आपके पास आ जाएगा 1, 4 और 1 5 6 7 और 8 और 8 आपके पास क्या है 1 और 3, तो यहां आप लोगों ने क्या लिखना है 3, यहां आप लोगों ने क्या लिखना है 1, 4 5 6 6 और 1 7, 7 आपके पास ये सॉल्व हो गए 2 और 1, तो यहां आप लोग 2 लिखेंगे, यहां आप लोग लिखेंगे 1, 1 और 1 आपके पास कितना आ गया 2, 2 बेस 5। तो ये था स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सलूशन, आज का टॉपिक इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग बेस 8 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करें, बहुत शुक्रिया।